उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सपा के एक विधायक की पुलिस से बहस का मामला सोशल मीडिया पर सामने आया है। बलिया जिले के फेफड़ा से विधायक संग्राम सिंह यादव अपने बेटे से हुए दुर्व्यवहार के कारण पुलिस अफसरों से ऐसे उलझे कि बलिया की सड़कों पर काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि बलिया के रेलवे स्टेशन पर छठ महापर्व के मौके पर हो रही भीड़ को देखते हुए पुलिस के तमाम अफसर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। बलिया में रेलवे स्टेशन के सामने पुलिस पिकेट पर सपा के विधायक संग्राम सिंह यादव के बेटे ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, जिस पर पुलिस के लोगों से उसका विवाद हुआ। आरोप है कि बेटे ने गाड़ी खड़ी की तो पुलिस के अफसरों ने कहा कि इसे कहीं दूर ले जाकर खड़ा कर दीजिए, भीड़ का मौका है, लोगों को असुविधा होगी। लेकिन इस मौके पर विधायक के बेटे ने पुलिस अफसरों से कहा कि वो अपने पिकेट के अंदर बैठे रहें और ये सब चीज़ ना कहें। इस पर पुलिस के अफसरों से उनकी बहस हुई और मामला इतना बढ़ा कि खुद विधायक को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। विधायक के पक्ष का आरोप है कि पुलिस के कोतवाल ने यह कहा कि मैं तुम्हारे बाप को भी देख लूंगा। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया कि विधायकी निकाल दी जाएगी। लेकिन पुलिस के अफसरों का कहना है कि विधायक के बेटे को सिर्फ इतना कहा गया था कि वो अपनी गाड़ी को दूसरी जगह पर पार्क कर दे ताकि भीड़ की स्थिति में कोई असुविधा ना हो। इस पर विधायक का बेटा उनसे भिड़ा और इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। इस मामले को लेकर विधायक संग्राम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर विपक्षी विधायकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि योगी सरकार में सपा के विधायकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पुलिस के अफसर अपनी मनबढ़ई के कारण विधायकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इस घटना को लेकर विधायक ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। अंत में मामला यहां तक पहुंचा था कि विधायक की कोतवाल से बहस तक हो गई, लेकिन कुछ देर बाद जब वरिष्ठ अफसरों ने हस्तक्षेप किया तो विधायक अपने बेटे को यहां से लेकर चले गए। लड़के के साथ यहां गाड़ी खड़ी थी, लड़के ने कहा कि मैं गाड़ी हटा रहा हूं, तो इन्होंने कहा तुम्हारे बाप को भी देख लूंगा और तुम्हारे बाप के मैंने गाली दिया है। किसको, किसने गाली दिया? ये कोतवाल हैं प्रवीण कुमार सिंह। अच्छा, तो किस तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब ये जाने कप्तान साहब से बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आप आए कह रहे हैं कि सपा की सरकार नहीं है, इसलिए ये सपा के लोगों को इस तरह की गालियां दी। बलिया की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है और लोगों ने कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर आ रहे कमेंट्स के पीछे सपा के नेताओं के आरोप हैं, वो आरोप जिसमें विधायकों ने ये कहा है कि पुलिस के अफसर अपनी मनबढ़ई के कारण जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझते, आम लोगों के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार होता है, बलिया में हुई घटना सिर्फ इसका एक उदाहरण है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।